आप सबकी भी स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर हो गई है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा सन टैन आ गया है, या तो फिर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले ही आपकी एजिंग नज़र आ रही है, रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और स्किन पे इचीनेस और रेडनेस का इश्यू हो रहा है और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा अनइवन टोन आ गया है, पिंपल्स एक्नी हो रहे हैं और पिंपल्स को पोक करने की वजह से आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये पिगमेंटेशन, ये सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को आप सब भी ख़त्म करना चाहोगे तो आप सब लोग ख़त्म कर सकते हो, अपनी स्किन को फिर से लाइटन एंड ब्राइटन बना सकते हो, सन टैन को रिमूव कर सकते हो और नेचुरल 2-3 शेड आप अपनी स्किन को वाइटनिंग कर सकते हो और आपकी स्किन पे जो भी पिंपल्स, अनइवन स्किन और आपकी स्किन पे से जो भी रिंकल्स है ये उसको भी ये रेमेडी ख़त्म करेंगी, आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो देगा और आपकी स्किन जो आपके सेल्स है वो उभर कर आएंगे। लेकिन कैसे, तो बताती हूँ मैं आप सभी को इसी वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, हम हमारी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, रूबी ब्यूटी टिप्स में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। इस समय मिलते हैं आपको हेयर केयर, स्किन केयर और बॉडी केयर से रिलेटेड वीडियोस और होम मेड एंड नेचुरल ट्रीटमेंट्स। और आप सब भी चाहते हो कि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले तो जल्दी से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस जरूर कर दें। ये मेरी इंस्टा आईडी है, जल्दी से जाके फॉलो कर लो और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कोरियन स्किन वाइटनिंग सीक्रेट, जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देंगी, इंस्टेंट वाइटनिंग देंगी। वन यूज़ में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वन यूज़ में ही आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ये क्रीम को अप्लाई करने से पहले और अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्किन वाइटनिंग हो गई है। तो सिर्फ वन यूज़ में इतना हो सकता है, तो आपकी स्किन को ये जो भी टैन है, जो भी डार्क स्पॉट्स है उनको भी ख़त्म करेंगी और आपको बहुत ही जल्दी 7 डेज में तो आपकी स्किन निखर जाएगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, नाउ लेट्स प्रिपेयर द रेमेडी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्लेन बाउल चाहिए। आप इसको बहुत ही आसानी से आप अपने घर में सिर्फ 5 मिनट में आप इसको बना सकते हो और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ें हैं, तो हर कोई इजीली इसको बना सकता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले लूँगी एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आपको 2 टीस्पून लेना है, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो। और ये जो क्रीम हम बना रहे हैं ये ऑल स्किन टाइप है, तो हर कोई इसको ईजिली बना के हर कोई यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट हम ले लेंगे मैजिकल इन्ग्रीडियंट, इसके बगैर क्रीम बन ही नहीं सकती, ये है राइस स्टार्च। जी हाँ, ये ही वो सीक्रेट है, राइस स्टार्च है, ये राइस फ्लोर नहीं है, ये बिल्कुल ही बारीक है, इसके अंदर कोई भी ग्रैनुल्स नहीं है। ये मैंने घर पे इजीली आप इसको बना सकते हैं। अगर आप इसकी वीडियो चाहते हो तो जल्दी से अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू का बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दो। अगर आपको इसकी रेमेडी चाहिए तो कमेंट भी आपको ज़रूर करना है। ये घर पर आप इजीली बना सकते हो, मैंने ये कोई भी मार्केट से नहीं खरीदा है, नेचुरली आप इसको घर पर राइस स्टार्च बना सकते हो। और आप सब इस क्रीम को डे और नाइट में भी अप्लाई कर सकते हो, डे एंड नाइट क्रीम है ये। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी 1 टीस्पून राइस स्टार्च, ये आपके स्किन को वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी रोगाने बादाम स्वीट आलमंड ऑयल। स्वीट आलमंड ऑयल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और आपकी स्किन में जो भी आपको पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम है उसको भी ये ख़त्म करता है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, एक्सेसिवली ड्राई स्किन है, तो आप 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप 2 टीस्पून ऐड कर लेना अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फिगारो का ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल आपकी स्किन में डीहाइड्रेशन करता है, रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है और यूवी रेस से बचाता है और आपकी स्किन को वाइटनिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और आपकी स्किन पे जो भी इरिटेशन एंड रेडनेस है उसको ख़त्म करता है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून का ओलिव ऑयल। आप चाहे तो इसके अंदर 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन हो। तो ये बिल्कुल भी आपको जो है ना चिपचिपा क्रीम नहीं बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली नहीं बना रहे, क्योंकि समर्स है तो लाइट वेट क्रीम है, बिल्कुल भी आप डे एंड नाइट में ईजिली इसको वेयर कर सकते हैं इस क्रीम को। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी स्किन को ब्राइटनिंग एंड सॉफ्ट स्मूथ बनाता है और रिंकल आने से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। तो आपकी स्किन को ये ब्राइटनिंग भी करता है, स्मूथ भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज, जो ये राइस फ्लावर एंड राइस स्टार्च है ये बिल्कुल भी कॉमन इन्ग्रीडियंट नहीं है, यूनाइटेड स्टेट में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि साउथ कोरिया, चाइना,
चाइना और जापान जैसे कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज इनके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें राइस स्टार्च एंड राइस फ्लावर मिलाया जाता है, इससे इनकी स्किन वाइटनिंग होती है। कोरियंस की भी स्किन इसलिए वाइटनिंग होती है। तो उनका सीक्रेट मैं आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हमें इनका जो सीक्रेट पता चल गया है, तो हम भी अगर इसको यूज़ करेंगे तो हमारी भी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छे से, आपकी मतलब 2 से 3 शेड आपकी स्किन अच्छे से वाइटनिंग तो होंगी ही होंगी। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद एक इतनी ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा स्टिकी सी क्रीम बन के रेडी हो गई। ये बहुत ज़्यादा मतलब नॉन ऑयली है, ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयल नहीं करेंगी, उल्टा ये आपके ऑयल को कंट्रोल करेंगी। जो भी आपको एक्सेसिवली ऑयल आता है तो उसको कंट्रोल करती है, सीरम निकलता है तो उसको मतलब बैलेंस में रखती है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर लूँगी रोज़ वाटर। तो रोज़ वाटर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून का इसके अंदर ऐड कर लूँगी। आप इसके अंदर और ज़्यादा भी 2-3 स्पून भी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से क्रीमी कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। आपको ना ज़्यादा मोटी रखनी है कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा पतली, नॉर्मल सी क्रीमी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। और जो आपका ये क्रीम जो बन के रेडी होगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीम बन के रेडी हो जाने वाला है। और रोज़ वाटर भी हमने डाला है तो आपकी स्किन को रिफ्रेश रखता है और आपकी स्किन को टाइटनिंग एंड क्लींस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अंदर के जो भी डेड स्किन सेल्स है वो आपके सारे निकल जाएंगे और आपकी स्किन वाइटनिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। इसके 3-4 ड्रॉप्स मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। ये आपके एक्नी से फाइट करता है और स्किन को टाइटनिंग बनाता है और आपके रिंकल्स जो है फाइन लाइंस को क्योर करता है। इसके बाद नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी टी ट्री एसेंशियल ऑयल। टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी आपके पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी स्किन के अंदर जो भी इरिटेशन और आपको इचिंग होती है ना, वो प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। तो इसके भी मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉप्स ऐड कर लिए। नेक्स्ट मैं इसके अंदर एसेंशियल ऑयल जो ऐड करने वाली हूँ वो है पेपरमिंट। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करने में रिफ्रेशिंग मतलब फील कराता है, क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे जो है ना स्वेटिंग हो जाती है। तो अगर आप इस क्रीम को लगाएं तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा और आपकी स्किन पे एकदम रिफ्रेशिंग फील होगा आपको और कोई भी आपके स्किन पे इरिटेशन नहीं होगी। एसेंशियल ऑयल ऐड कर लेने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इस सारे चीज़ों को और मिक्स करने के बाद एक ये बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मूथ सा क्रीम हमारा बन करके रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। ये आपकी स्किन पे जो भी फाइन लाइंस है उसको भी ख़त्म करता है और स्किन को जो है ना अंदर से ग्लो लाता है। तो ये आपकी होममेड क्रीम बन के रेडी हो गई है। अब आपको है ना कोई भी मार्केट की क्रीम खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, इस क्रीम को ही लगाइए। आप महंगे महंगे स्किन वाइटनिंग क्रीम खरीदने से अच्छा आप घर पर ईजिली सिर्फ 5 मिनट में इस क्रीम को बनाकर आप अपने स्किन पे लगा सकते हो। बस ये जल्दी से रेडी हो जाएंगी और आपको जो ये क्रीम बना के आपको ये फ्रिज में रखना है, क्योंकि गर्मियां हैं तो आप अगर इसको ठंडा ठंडा लगाओगे तो आपको और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपने आज ही वीडियो देखी तो आप आज ही बना सकते हो। अगर आप राइस स्टार्च को घर पर बनाना चाहते हो तो जल्दी से आप कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं जल्दी से आपके साथ रेमेडी शेयर करूँगी। जो राइस स्टार्च है वो ऑनलाइन शॉप्स पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वो महंगा पड़ सकता है। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हो कि अगर आप घर में ही आपके खुद के आँखों से देख सकते हो कि ये कैसा बनता है, तो आपके अगर आप घर में ही बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और क्या चीज़ कैसी बनी है आपको पता भी होगा। तो चलिए, ये हमारी क्रीम बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गई। अब आपको क्या करना है, क्लीन सा ग्लास जार लेना है और इस जार के अंदर आप इस क्रीम को शिफ्ट कर दें। और आप चाहते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर रहे तो आप अपने क्लीन हैंड से ही आप इसको लगाना, अपने क्लीन हैंड करके अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना। और इस क्रीम को आप स्टोर करके रख सकते हो, 1-2 मंथ्स तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो और इसको आपको फ्रिज में ही रखना है, रूम टेम्परेचर में आपको नहीं रखना है। तो बस आप इसको क्लीन हैंड से अपने स्किन पे अप्लाई करने से आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट्स मिलेगा। राइस आपकी स्किन को जो हमने ऐड किया राइस स्टार्च, ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ऑयल आता रहता है और समर्स में बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन होती रहती है स्वेटिंग की वजह से, तो उसको ये आपके ऑयल को एक्सेसिवली ऑयल को ऑब्जर्व करता है और स्किन को वाइटनिंग बनाता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड सपल कर देता है और स्किन में जो भी इरिटेशन एंड आपको जो भी इचिंग की प्रॉब्लम है उसको भी ये ख़त्म करता है। सो अब मैं बताती हूँ इस क्रीम को अपने हैंड पे अप्लाई करके ये स्किन में इंस्टेंट ग्लो देता है, इंस्टेंट वाइटनिंग देता है। तो आप पहले मेरा यहाँ पे आप हैंड देख ले कि ये कैसा है एंड इसको अप्लाई करके मसाज करने के बाद जो इंस्टेंट ग्लो आएगा ना गाइस,
आप मतलब हैरान रह जाओगे कि इंस्टेंट अगर इतना अच्छा ग्लो देता है तो आप इसको रेगुलरली डे एंड नाइट में अप्लाई करोगे तो आपको कितना अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपको पूरी अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करना है, डे में भी आपको अच्छे से अप्लाई करना है, कोई भी ऑयल नहीं आएगा, नाइट में भी आपको अच्छे से अप्लाई करना है, जहाँ भी डार्क एरियाज हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको मसाज करनी है, तभी ये मतलब जो भी अंदर की डेड स्किन सेल्स है वो निकालेंगे। अच्छे से मसाज करने के बाद ये थोड़ी देर से मतलब थोड़ा ड्राई होकर जो भी डेड स्किन सेल्स है वो निकल जाते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर इसमें फ़र्क इसलिए बता रही हूँ कि आप पहले जो मेरा हैंड देख रहा था उसमें आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा डार्क लग रहा है, ये एकदम वाइटनिंग ग्लो आ गया है इसमें, एकदम आपको चमक आ रही है और स्किन पे वो नेचुरल वाइटनिंग आ रही है सिर्फ इसी से, ये क्रीम से। तो ये कोरियन सीक्रेट है, आप इसको ज़रूर बनाइए और ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको स्किन वाइटनिंग करनी है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा अनइवन टोन है और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा सन टैन आ गया है, या किसी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर हो गई है, तो इस क्रीम को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीम है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ लाइव रिजल्ट लाइव डेमो शेयर कर दिया है, तो आपको इसको यूज़ करके फीडबैक लाजमी शेयर करना है। और जो बिफोर एंड आफ्टर की जो मैंने क्लिप बताई है आप उसको स्टॉप करके जूम करके देख सकते हैं कि कितना अच्छा रियल ये पिक है, रियल रिजल्ट, बिना कोई इफेक्ट के नेचुरल ग्लो आया है वन टाइम में ही, तो मतलब एक बार में वन यूज़ में इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो आपको अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करना शुरू कर दें तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी वाइटनिंग हो जाएगगी। अब आपको समर्स में सन टैन आओ सन बनाओ कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये क्रीम है तो आप इसको रेगुलरली लगाओगे तो आपकी स्किन वाइटनिंग होगी। सो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।